निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे शहर में आजकल ओम बाबा की बड़ी चर्चा है। मैंने सुना तो है, बाबा की बातें काफी मोटिवेशनल होती है। वहाँ जो भी जाता है नई एनर्जी से भर जाता है। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इस नाते से सभी एक ही परिवार के हुए। पता करो उस आश्रम के अंदर होता क्या है। आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है राधे। बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग का नाटक। सन्यासी बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। ऐसा ही चलता रहा तो ये दादा हमारे पूरे समाज का सत्यानाश करके छोड़ेगा। क्या ये सही है कि आपके यहाँ जो भी शादीशुदा लोग आते हैं आप उन्हें ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए कहते हैं? ये परमात्मा का दर है। यहाँ पर नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से ये मामूली लड़कियाँ केस लड़ने आई हैं। क्या आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं? वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। जिन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए वो नारी बनने चली सन्यासी, तो घर की देखभाल कौन करेगा? पुरुष। जब कोई पुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? जब हम माताएं बहनें ज्ञान सुनने के लिए जाती हैं तो फिर हम पे ये मुकदमा क्यों चलाया गया? आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये परीक्षा की घड़ी है, आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। और हिम्मत नहीं बची बाबा, हम जो कुछ सोचकर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट है।